मेरे को नशे का अनुभव हो गया बाहर खड़े होने का। यूथ कांग्रेस में ऐसा अनुभव फिर दोबारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नशे का अनुभव मेरे साथ था, तो मैं सारी सिस्टम को जान गया। और फिर मुझे विक्की जी हिमाचली थे तो ज्यादा कोई समस्या नहीं। यूथ कांग्रेस में मैं सबसे लंबा राज्य का अध्यक्ष रहा, तकरीबन डेट मुझे याद नहीं, पर मेरे को लगता है कि 20 या 30 सितंबर 98 में मुझे प्रदेश 30 नवंबर 98 में मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। शादी के एकदम बाद ग्रह बदल गई, क्योंकि 2 साल में बीच में ना 96 में मैं नशे का प्रेसिडेंट था, 2 साल में मुझे ये गैप पड़ गया। पर ये भी सच्ची बात है, तो यूथ कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट था, अब मनीष तिवारी जी प्रेसिडेंट थे, मनीष जी हट गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बन गए, मुकुल वासनिक जी इंचार्ज थे। अब 2002 में चुनाव होना था एमएलए का टीम में, और उम्र 35 साल से ऊपर हो, मुकुल वासनिक जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने फैसला किया कि जितने अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा दे दीजिए। अब हमारे इलेक्शन को 4 महीने, राजनीति में कई समीकरण ऐसे होते हैं कि जो स्टेट का सबसे बड़ा लीडर होता है अगर उसके साथ आपका झगड़ा चला जाए तो जल्दी से जल्दी इसको चलता कर दीजिए। समस्या स्टेट के लीडरशिप से भी थी, यहाँ भी दू उसकी थी, और दिल्ली से फरमान आया कि आप इस्तीफा दे। मैंने कहा भाई अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं जो विधायक के टिकट का जो मेरी इच्छा है वो तो पूरी नहीं होगी, और बिहार के थे वो तनवीर वगैरह को बादशाह आदमी ने इस्तीफा दे दिया। तो पॉलिटिक्स तो हम सीखे थे एनएसए दिल्ली, जो स्टेट प्रेसिडेंट रहता ना एनएसए का और यूथ कांग्रेस में, तो सबको सीख जाता, जुगाड़बाजी भी पूरी सीख जाता। अब डर भी लगे कि अगर इस्तीफा हो गया तो एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। फिर मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास गया, यही इस ऑफिस में अंदर आया, मैंने उससे कहा कि भाई साहब इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा पर आप मेरे को टिकट के बाद मेरा इस्तीफा ले लेना। वो कहते हैं आप मुगल जी के पास जाओ, जो जैसे श्रीनिवासन जी भेजते कृष्णा कृष्णा होता ना सर करे क्या तो मुझे मुकुल वासनिक जी के पास आना पड़ा। उन्होंने बोला कल ना कल फिर मैं उनके पास गया, मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास गया, फिर मैं उनके पास गया। फिर वो राज्य के नेता हमने इकट्ठे किए, रणदीप जी को फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। अब जो और इस्तीफा देने वाले थे उनके इलेक्शन थे बाद में, मेरा इलेक्शन था 3 महीने बाद, तो गर्दन तो मेरी कट रही थी, बाकी तो फटाफट दे दिया कि हम आपको बनाएंगे, स्टेट में बनाएंगे, वो बनाएंगे, जो गोली दी जाती है उस पर दी हम। तो सोनी जी के पास गए, राज्य के नेता उन्होंने बोला इनको 3 महीने बाद इस्तीफा, बात खत्म हो गई। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हटने से बच गया, कई लोगों का भविष्य उसमें मेरे साथ जुड़ा हुआ। अगर मैं हट जाता तो कई लोग राजनीतिक दृष्टि से आगे नहीं आ, मेरे ना हटने के कारण 6 लोगों को एमएलए का टिकट मिला जिसमें मैं भी। और कई बार गुणवान बड़ा कि भाग्यवान बड़ा, भाग्य भी साथ देता है। राजनीति में भाग्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
मैं आपसे बिल्कुल फ्री होकर बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीतिक जीवन में आपके साथ भी घटित होता है और होता रहेगा, लेकिन आपने इन सब चीजों को पार करके अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ना, इच्छा शक्ति नहीं छोड़ना। जीवन में सफलता मिलती है, एक बार असफल हो जाए फिर दूसरी बार सफलता आपके कदम चूमती है। 6 लोगों को टिकट मिल गया। अब मैं शिमला से टिकट चाहता था, मैं शिमला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्रॉस करता। अब शिमला से जिसने टिकट चाहना है वो राजधानी का टिकट था। आनंद शर्मा जी हमारे उनके मित्र थे, उन्होंने बोला कि आपको तो शिमला से टिकट नहीं मिलेगा, उनके गुजार थे, मैं यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट, भाग्य ने साथ दिया और एक सीट हमारी गांव शिमला से 200 किलोमीटर दूर जो मेरा जहां मेरे माँ बाप पैतृक गांव थे वहां से मुझे टिकट मिली। टिकट तो पहले तो चुनौती ये होती है कांग्रेस में कि टिकट मिल जाए किसी तरह, आधी जिंदगी आता तो संघर्ष उसको वही लग जाता है, दिल्ली के चक्कर काटने में, फिर नेताओं के राज्य के चक्कर काटने में, राज्य के नेता भी होते ना, अगर वो मजबूत ना हो तो बस लड़ाई लड़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी। पहले तो टिकट लिया, जहां से टिकट मिला वहां कोई जानता ही नहीं था, जो रिश्तेदार होते उनके अलावा कोई जानता नहीं, पर पूरी मैंने स्टेट यूथ कांग्रेस की टीम में इनको टिकट नहीं मिला वहीं लगा दी। एक मीटिंग मेरी यहाँ हुई तो दूसरी मीटिंग वहां, कोई नहीं जानता। मैंने भाग्य आपकी बात की थी और मैं जवाब, फिर क्या हुआ, चुनाव जीत गया तो कोई हटाने की बात ही ना करने आए, जहाज में इकट्ठे हो गए हैदराबाद में, हमारा AICC का अधिवेशन चल रहा, सीट मिल गई। तो मैंने कहा सर आप तो 9 साल हो गए, आप तो हटा दो। कहता मुकुल जी ने कहा, कहते जब कांग्रेस IYC आपको हटाना चाहती थी तब हटे नहीं, आप जब तुम हटना चाहते हो तो कांग्रेस तुम्हें हटा ले रही है। तो बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद में दूसरी बार MLA बन गए, इस्तीफा दे दे। तो यूथ के साथ सर हम भी बूढ़े हो गए, हमारे को कब अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। ये मैं चीज क्यों कह रहा हूं आपको, ये वास्तविकता, और जब सत्य आपके सामने हो तो उस दृष्टि से आपको संघर्ष करना। ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों को कौन पार करता है, जो संघर्ष करने की क्षमता रखता है वही चुनौतियां पार करता है।